भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ भिलाई एवं स्वदेश मानव संगठन के संयुक्त तत्वावधान में वैशाली नगर क्षेत्र की महिलाओं को डूंगरगढ़ स्थित मां बम्लेश्वरी का दर्शन कराने धार्मिक यात्रा निकाली गई। 20 कारों से निकली धार्मिक यात्रा में सैकड़ों महिलाएं शामिल हुई। व्यापार प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी जिला भिलाई के संयोजक मधु शाह एवं स्वदेश मानव संगठन के अध्यक्ष छोटू चावला के नेतृत्व में मंगलवार को डोंगरगढ़ स्थित मां बम्लेश्वरी के दर्शनार्थ धार्मिक यात्रा का आयोजन किया गया। वैशाली नगर क्षेत्र की महिलाओं के लिए आयोजित यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं वैशाली नगर के अलावा अन्य क्षेत्रों से भी शामिल हुईं। महिलाओं को डोंगरगढ़ स्थित मां बम्लेश्वरी का दर्शन लाभ प्राप्त कराने आयोजकों द्वारा 20 कार और बसों की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई थी। यात्रा में रवाना होने से पूर्व महिलाओं और पुरुषों द्वारा डीजे की धुन में धार्मिक गीतों पर नृत्य की प्रस्तुति दी गई। व्यापार प्रकोष्ठ के इस धार्मिक आयोजन से महिलाओं में खुशी का माहौल देखने को मिला। डोंगरगढ़ जाने तय समय से पूर्व ही महिलाएं अपने बच्चों संग निर्धारित स्थल पर पहुंच चुकी थी। आयोजकों ने बताया कि धार्मिक यात्रा का आयोजन सभी वार्डों से किया जाएगा। इस अवसर पर मधु शाह, छोटू चावला एवं अन्य ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आज हमारे भिलाई व्यापारी प्रकोष्ठ एवं स्वदेश मानव अधिकार संगठन के तत्वावधान में आज एक माता की यात्रा मां बम्लेश्वरी के लिए निकल रही है, जिसमें हमारे द्वारा कम से कम 20 गाड़ियों का काफिला डोंगरगढ़ के लिए जा रहा है। और हमारे आज के कार्यक्रम में मुख्य रूप से हमारे जिला मंत्री पुरुषोत्तम देवांगन जी और प्रदेश व्यापारी प्रकोष्ठ के मंत्री नीतीश दुबे जी हरी झंडी दिखा रहे हैं। और हम लोग का उद्देश्य ये है कि लोगों के बीच में एक धार्मिक भावना को जागृत करना, अपने धर्म के प्रति ईमानदारी से एक निष्ठा को पैदा करना और एक सेवा की भाव को उत्पन्न करना हमारे संगठन का कर्तव्य है। और ये जो हम लोग पहली बार ये यात्रा निकाल रहे हैं, और हम पूर्ण विश्वास देते हैं कि आने वाले समय में भिलाई से 1000 लोगों की कम से कम 200 गाड़ियों की रैली लेके अगले 2 माह के अंदर हम मां बम्लेश्वरी, रतनपुर और विभिन्न जगहों के दर्शन अपनी जनता को कराएंगे। और हम ये चाहते हैं लोगों को कि इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर लोग हिस्सा लें। और ये कार्यक्रम हमारे द्वारा निःशुल्क किया जा रहा है, किसी से कोई चार्ज नहीं ली जा रही। और रास्ते में हमारे राजनांदगांव व्यापारी प्रकोष्ठ के पदाधिकारी द्वारा स्वागत किया जा रहा है, डोंगरगढ़ में किया जा रहा है। और आज से ये माना जाए कि एक धर्म का प्रचार करने हमारा संगठन निकल रहा है, और हर व्यक्ति को अपने धर्म को प्रचार के लिए सहयोग करना चाहिए। और मैं उन सबका आभारी हूँ जिन्होंने हमें ये सहयोग किया। मेरी टीम का पूरा आभारी हूँ, मेरे मीनाल चौहान, इंद्रजीत सिंह, विजय देवांगन जी और अपने मधु शाह जी, जिला अध्यक्ष विनोद प्रसाद, सुजीत जी, विनीत वाजपेयी जी और मेरे सहारे जी, मनोज ठाकरे जी, नीतीश दुबे जी, अनिल भाई जी, विजय त्रिपाठी जी, ये सब लोगों को। और सबसे बड़ी चीज़ तो महिला मात्र शक्ति को मैं नमन करता हूँ कि आज की संख्या जितनी पुरुषों की नहीं है उतनी मेरी मात्र शक्तियों की है। और मैं अपनी मात्र शक्ति को अपनी माँ के दर्शन करने ले जा रहा हूँ। मैं आपको अपने आप को गौरवित मानता हूँ कि मैं उनका सारथी बनकर आज अपनी टीम के साथ माता के दर्शन में जा रहा हूँ। पर हे माँ, मुझे शक्ति दे कि आने वाले समय में मैं अपने वैशाली नगर विधानसभा के एक एक वार्ड से ऐसी रैली लेके निकलूंगा। ये वचनबद्ध है हमारी टीम का और ये काम हम करेंगे। सबका आभारी। जय हिंद, जय माता। आज भिलाई जिला के व्यापारी प्रकोष्ठ के द्वारा माता जी के दर्शन के लिए डोंगरगढ़ की यात्रा निःशुल्क हमारे संगठन की ओर से लेकर के जा रहे हैं। मैं सभी भाइयों को, व्यापारी प्रकोष्ठ को, जितने भी अधिकारी हैं, सबको मैं बधाई देना चाहता हूं। और मैं माता से कामना करता हूं, जितने लोग इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण करें, सबको माता आशीर्वाद दे कि इनकी जो है इच्छा जो है पूर्ण हो और ऐसी सेवा कार्य
भारतीय जनता पार्टी लगातार, जैसे चावला जी ने बताया, लगातार निःशुल्क जो है समस्त वार्डों के लिए करते रहेंगे। और मैं सबको पुनः बधाई देते हुए, मंगल कामना देते हुए अपनी बात में, आज भारतीय जनता पार्टी भिलाई जिला व्यापार प्रकोष्ठ की तरफ से आयोजित ये डूंगरगढ़ तीर्थ यात्रा, जितने भी मेरे श्रद्धालु माताएं बहनें पुरुष और मेरे साथी जा रहे हैं, उनको सभी को मैं भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ प्रदेश की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे प्रदेश संयोजक जो कि उत्तर प्रदेश चुनाव में व्यस्त होने के कारण आज उनकी उपस्थिति नहीं हो पाई है, उनकी तरफ से भी हमारी फोन पे दूरभाष पर चर्चा हुई है, उन्होंने सभी श्रद्धालुओं को बधाई दी है कि आप सब लोग की मनोकामनाएं माता रानी पूर्ण करें। और मैं खासकर भारतीय जनता पार्टी भिलाई जिला के हमारे जिला संयोजक मधु शाह जी को और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि इस दो साल के कोरोना काल में जिस प्रकार की हम लोगों ने विपत्ति सही है और इतना संकट रहा है, उसके बाद आज दो सालों के बाद इतना उत्साह का माहौल बना है कि आज हमारे सारे साथी छोटू चावला जी, मधु शाह जी, मीनाल चौहान जी के नेतृत्व में माता डोंगरगढ़ की माता जी की यात्रा में जा रहे हैं। उन सभी श्रद्धालुओं की माता रानी पूर्ण करें और मैं सभी को बधाई देता हूं। आप सभी लोग जाएं, अच्छे से दर्शन करें और सब कुशल आपकी वापसी की कामना। सभी लोगों का स्वागत करता हूँ और एक छोटी सी माता की यात्रा हम यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं और आने वाले दिनों में ये मतलब प्रारंभ रहेगा आपके सहयोग से, माता रानी के आशीर्वाद से। और माता रानी चाहेगी तो इस तरह का कार्यक्रम हम आगे भी करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। व्यापारी प्रकोष्ठ से ब्रह्मेश्वर मंदिर के लिए यात्रा निकाली जा रही है जिसमें महिलाओं को विशेष रूप से बुलाया गया और जगह जगह पर जितने भी दर्शन के लिए हैं वहाँ पर दर्शन के लिए उतरेंगे और साथ में सभी महिलाएँ जा रही हैं। इससे हिंदू संगठन बहुत मजबूत होगा और व्यापारी संघ को मैं अपनी ओर से बधाई और धन्यवाद देती हूँ कि इस प्रकार का आयोजन करके महिलाओं का मनोबल बढ़ा रहे हैं, इसलिए मैं पुनः धन्यवाद। बहरहाल इस अवसर पर मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ के मीनल चौहान, डॉक्टर दिनेश प्रसाद, विजय देवांगन, अनिल सिंह, विनीत वाजपेयी, इंद्रजीत सिंह, विजय त्रिपाठी सहित बीजेपी के विभिन्न प्रकोष्ठों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।